ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एजुकेशन के शब्द बताएं, सारे सिलेबस का सारे एजुकेशन शब्द बनाएं, स्टूडेंट का शब्द बताएं, क्लास का शब्द बताया, इसी तरह स्कूल का अर्थ बताया, लेकिन आज के बच्चों में अनैतिकता क्यों आ रही? उसका पहला कारण है गलत संगत। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। एक बहुत सुंदर एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। कहते हैं एक पेड़ पर एक कौवा और हंस रहता था, दोनों की दोस्ती थी। तो एक बार कौवा कहीं बाहर घूमने के लिए गया था और हंस अकेला पेड़ पर बैठा था। इतने में हंस की नीचे नजर गई, एक व्यक्ति सोया था, उसके सिर पर धूप आ रही थी। तो हंस वहाँ से उठा और जिस डाली से धूप आते वहाँ पंख फैला करके छाया बनाई। इतने में उसका दोस्त आया कौवा, उसने कहा दोस्त तुमने पंख क्यों फैलाएं? कहते नीचे एक व्यक्ति सोया, उसको धूप लग रहे, मैं मदद कराओ। कहता लोग तो बड़े खराब होते हैं, हमें पत्थर मार के भगाते, इनको तो भी नहीं उठा। कौवा वहां से उठा, बीट डाल करके लैटिन करके वहां से भाग गया। जब उस व्यक्ति की नींद खुली, उसने ऊपर देखा कौन बैठा था, हंस। उसको लगा गलत काम किसने किया, हंस ने। उस व्यक्ति ने उसके पास बंदूक थी, लेके शूट कर दिया, मार दिया, हंस मर गया। देखो हंस ने तो अच्छा काम किया फिर भी मारा गया, संगत गलत थी। इसी तरह मैं तो काफ़ी सारे जब जेल में जाता हूँ, कई कैदी आकर के कहते हैं सर मैंने कोई भूल नहीं की, मैं तो बहुत अच्छा था। मैंने कहा टाली तो दो हाथ से बजती है, एक हाथ से कभी नहीं बजती, जरूर आपने कुछ तो किया होगा। नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया, मेरा एक दोस्त था बचपन में, हम एक बेंच पर बैठ करके पढ़ते थे, दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी, बड़े हो गए तो भी साथ में घूमते हैं। लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी मेरे दोस्त की, तो वो चोरी करता था। एक बार उसने बड़ी चोरी करके भाग गया, वो तो भाग गया, पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया। और इसलिए कौवा तो भाग गया, पकड़ा कौन गया, हंस गया। इसलिए संगत के कारण आज की युवा पीढ़ी में गलत। आज कोई माँ बाप ने नहीं सिखाया नशे कैसी करनी है, चोरी कैसी करनी है, माँ बाप ने नहीं सिखाया, स्कूलों में भी नहीं सिखाया, कहाँ से सीखे, अपने दोस्तों से। इसलिए जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा पियोगे पानी वैसी बनी वानी। हम भी कोई बादल से गिरे नहीं। मुझे याद है मैं जब 8वीं कक्षा में पढ़ता था, मेरी दोस्ती एक 12वीं कक्षा वाले बच्चे के साथ थी। वो पढ़ाई में बहुत होशियार था इंग्लिश और गणित में, तो मैं उसके रूम में रहता था। तो एक दिन 6 महीना हुआ था, एक दिन मेरे को कहा कि दोस्त मैं आपका दोस्त हूँ। मैंने कहा है, लेकिन कहता है कि मैं तो सिगरेट पीता, आप तो पीते नहीं। वो चोरी चुपके सिगरेट पीता था। मैंने कहा भाई दोस्ती तो तुम्हारे साथ है। नहीं नहीं शाम तक बताना। तो मैं सारा दिन सोचता रहा अगर मैं इसके साथ दोस्ती करूँगा सिगरेट पीऊँगा, क्योंकि बचपन से मैं परमात्मा को अपना दोस्त मानता था। मेरे जीवन की जो भी कुछ सुख दुख की बात ने भी मेरा नाम इतना अच्छा रखा है भगवान भाई, अगर मैं सिगरेट पीऊंगा तो वो परमात्मा मेरा दोस्ती छोड़ देगा और ये दोस्त मेरा 2-3 साल का दोस्त होगा, बाद में तो कहीं और चला जाएगा, लेकिन मैं ये सिगरेट नहीं पीऊंगा करके मैंने संकल्प किया कि मैं नहीं लूंगा। तो जब शाम को गया उसने कहा ये लो सिगरेट, मैंने कहा नहीं मेरा एक दोस्त है वो बहुत नाराज हो जाएगा। कहता है कौन दोस्त है? मैंने कहा परमात्मा। ठीक है तुम इंग्लिश उसे सीखना, गणित उसे सीखना, तुम यहाँ से चले जाना। मेरा सारा सामान फेंक दिया, मैं उसको दोस्त को नहीं छोड़ा लेकिन गलत आदतें नहीं लगाई। इसी तरह आज गलत व्यक्ति से बचने की जरूरत है। आज हम चाहते नहीं हैं तो भी दोस्तों को खुश करने के लिए, दोस्तों को निभाने के लिए हम क्या करते हैं, गलत चीज़ों को अपनाते हैं और इसी गलत रास्ते में जाते हैं। इसलिए संगत के कारण युवा पीढ़ी बिगड़ रही। दूसरा कारण है सिनेमा और टीवी। सिनेमा, सिन मतलब पाप, माँ मतलब मदर, पाप की माँ कौन है, सिन माँ। और ये नहीं कहा कि नहीं देखो, देखो मैं जब स्कूल में जाता हूँ कई बच्चे कहते हैं सर हाँ, मैं कई बार प्रश्न पूछता हूँ ये बताओ कि आप स्कूल में आने के बाद सुधरते बिगड़ते हैं? तो सब कहते हैं कि सुधरते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोग सिनेमा टीवी फेसबुक व्हाट्सअप देखने के बाद सुधरते बिगड़ते हैं? तो सब कहते बिगड़ते हैं। फिर तीसरा प्रश्न पूछता हूँ इसमें से कौन कौन देखते हैं? लगभग सारे बच्चे हाथ खड़ा करते हैं। हमने कहा आपने तो कहा थे सिनेमा टीवी देखने के बाद बिगड़ते हैं, फिर क्यों देखते हैं? तो वो समय चुप होते हैं। कई तो कहते हैं सर मनोरंजन, आज मनोरंजन करने के लिए देखा, और मनोरंजन क्या मारना पीटना काटना यही तो होता है। वो देख करके हम भी ऐसे करेंगे और हमें कोई जेल की सजा होगी तो वहाँ 4 दीवार के अंदर मनोरंजन होगा? इसलिए ये मनोरंजन नहीं, लेकिन हमने जीवन को और ही खराब करने। इसलिए भले देखो, अच्छे साहित्य पढ़ो, अच्छी फिल्में देखो। महात्मा गांधी ने एक फिल्म देखी थी राजा हरिश्चंद्र, और उस फिल्म का इतना परिणाम हो गया जो महात्मा गांधी बने। मुझे याद है मैं 9वीं कक्षा में था,
मैंने एक हनुमान की फिल्म देखी थी, हनुमान कैसे लंका में जाता है ऐसा। इतना बार मैं वो फिल्म देखता था, मुझे भी लगता था मुझे भी हनुमान की तरफ कोई ऐसा काम करना है। और उसकी प्रेरणा लेकर के मैंने भारत के लगभग 900 जेल में जाकर के कैदियों को सुधारने का काम किया। अच्छी फिल्म देखी, अच्छा काम किया। इसलिए पॉजिटिव फिल्म देखना, अच्छे साहित्य पढ़ना। आज सिनेमा टीवी का कितना प्रभाव होता जा रहा है, मैं खुद देखता रहता हूँ। मैं तो करीबन 500 छोटे बच्चों के जेलों में गया हूँ। आंध्र प्रदेश में एक जेल में गया था, लगभग 300 बच्चे थे जेल में। मैंने एक दो बच्चों को उठा करके पूछा, तुम जेल में क्यों आए? कहता है, सर मैं बहुत टीवी देखता था और टीवी में एडवर्टाइज आती थी वॉशिंग मशीन निर्मा पाउडर। तो कहता है, मेरी एक बहन छोटी सी थी, काली सी थी, मेरे दोस्त मुझे बहुत चिढ़ाते थे। तो एक दिन मेरी मम्मी घर से बाहर गई थी, मैंने उस बहन को उठा करके वॉशिंग मशीन में डाल दिया, निर्मा पाउडर डाल करके मशीन चालू की, वो अच्छी तरह साफ हो गई। ये कहाँ से सीख रहे? आज कई बच्चे फैशन करना सीखते हैं, कई बच्चे आधा ही बाल काटते, आधा ही ऐसा बचा हुआ है, फिर ऐसा करता रहेगा। वो कहाँ से सीख रहे? फिल्मों में कोई हीरो को देखा है? आज नशा करना सीखते हैं, आज फैशन करना सीखते हैं, गलत चीज़ें सीखते हैं, कहाँ से? सिनेमा टीवी। इसीलिए उसका नाम है सिनमा, पाप की माँ। यस आयन, सिन मतलब पाप, माँ मतलब मदर, पाप की माँ। तो इसीलिए अच्छे साहित्य पढ़ना। मैं अभी एक दिन एक स्कूल में जा रहा था, एक बच्चा भी थैला लटका के जा रहा था, वो बच्चा अचानक जोर से कहता, हाय अनु। तो मैं जब आगे गया, मैं सोचा हाय अनु किसको बोला, क्योंकि मेरा उसका परिचय था ही नहीं। मैं थोड़ा आगे गया, एक हनुमान का मंदिर था, हनुमान को देख करके बच्चा कहता हाय अनु। हनुमान को उसका दोस्त है। आज हमारी भारतीय संस्कृति कहते हैं, हमारे कोई पूर्वज दिखते हैं वहाँ खड़े रहो, दोनों हाथ जोड़ करके सिर झुका करके आशीर्वाद लो। लेकिन आज के बच्चे कोई ऐसी फिल्में देखते हैं, पाश्चात्य फिल्में, और पाश्चात्य फिल्मों में आपस में मिलते हैं तो क्या कहते हैं, हाय हेलो हाउ आर यू। और ये आज ऐसे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। इसीलिए सिनेमा टीवी से बचना, रामायण देखो, महाभारत देखो, पॉजिटिव चीज़ें। आजकल थिएटर में जाने की जरूरत नहीं, आजकल हर एक का जेबी सिनेमा थिएटर बना है। इसलिए सिनेमा टीवी के कारण आज के बच्चों में विकृति आती जा रहे हैं। मैं कुछ दिन पहले एक दिल्ली में एक न्यूज़ पढ़ी थी, कोई पेपर में, एक दूसरे प्रदेश के बच्चे दिल्ली में पढ़ने के लिए गए थे। तो संडे का दिन, छुट्टी का दिन था, तो एक बच्चा दूसरे को कहता है, दोस्त आज थोड़ा संडे है, छुट्टी है, रोज़ तो पढ़ाई से बोर हो गए, थोड़ा मौज करते हैं। तो वो कहता है, ठीक है आ जाओ, आप दोनों चल के मौज करते हैं। मौज मतलब क्या? तो दोनों बच्चे क्या करते, आपस में मिल गए और दिल्ली में घूमने के लिए गए। तो उन्होंने एक फिल्म थिएटर देखा, तो वहाँ इंग्लिश फिल्म लगी थी, वो फिल्म देख करके बुद्धि भटक गई। बाहर आकर के फिल्म स्टाइल से उन्होंने शराब पिया, शराब पीने के बाद फिर क्या किया, होटल में खाना खाया, होटल में खाने के बाद और बुद्धि भटक गई। उसके बाद उन्होंने, दोनों ने मिलकर के ऐसा कोई गलत काम किया, रेप केस का, अब दोनों के बच्चों को भी फांसी की सजा है। कारण क्या बना? संगत, फिल्म, नशा, गलत खान पान, गलत काम। इसीलिए सिनेमा टीवी से बचने की जरूरत है। उन क्योंकि आज हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन कुछ जीबी का होगा, जैसे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क भरी है, उसके अंदर और मैटर डालो तो अंदर से आवाज़ आएगा, फुल है, जगह ही नहीं है। इसी तरह आज हमारा दिमाग अगर फिल्में देख करके भरेगा और क्लास में आकर के बैठेंगे, वो बातें अंदर कैसी जाएगी? इसलिए अपने दिमाग को इन बातों से बचाना। और आजकल थिएटर में जाने की जरूरत नहीं, हर एक बच्चे का जेबी सिनेमा थिएटर बना हुआ है। तो सिनेमा टीवी से बचना। तीसरी चीज है नशा। जो बच्चे नशा करते हैं, नशा करने से कहते हैं रावण रावण क्यों बना, वो तो एक रावण था, आज घर घर में रावण पैदा हो रहे हैं। उस रावण ने सीता की चोरी की, गलत काम नहीं किया, लेकिन आज के रावण ऐसे पैदा हो रहे हैं, गलत काम करके काट पीट करके जंगल में भी फेंक रहे उसको। उस रावण ने तो सीता की चोरी करके गलत काम नहीं किया, नशा करते हैं, ऐसा गलत काम करते हैं, सीता की चोरी करके, गलत काम करके, जला करके, काट पीट करके जंगल में फेंक रहे हैं। ये नशा का परिणाम है, नशा से बचना। मैं अभी कुछ दिन पहले माउंट आबू से आ रहा था, एक 10वीं कक्षे की बच्ची थी जिसके गले में नली डाल करके उसकी माँ सब्जी का सूप पिला रही थी। तो मैंने उसके मम्मी को पूछा, इसको क्या हुआ? कहा कि इसने 6 महीना तक गुटखा खाया था, तो उसके कारण मुँह का कैंसर हो गया, मुँह खुलना बंद हो गया। तो
इसके कारण अभी उसको ऑपरेशन करना पड़ रहा है, 10 लाख रुपए खर्चा आएगा इसके पीछे। देखो गुटखा खाना, उसने संगत में आकर के चोरी छिपके गुटखा के अपने जीवन को खराब किया। तो गुटखा खाना अच्छा है बुरा है, कोई खाता उसको फील नहीं करना। गुटके की 3 शब्द लिखो ब्लैक बोर्ड पर, गुटखा, और बीच का ट मिटा दो, बाकी 2 शब्द पढ़ो, क्या आएगा? समझ में आया? ये शब्द को भी याद रखो, खाने का दिल नहीं करेगा। इसीलिए कहते ना जैसा खाओगे अन्न, इसीलिए होटल पर भी बोर्ड लिखा है होटल, हो सके तो यहाँ से टल, होटल में खाना, फिल्में देखना, गलत संगत में जाना, नशा करना, फैशन करना। आज की युवा पीढ़ी क्यों बिगड़ी? कुसंग, सिनेमा, नशा, गलत खानपान और फैशन। इसलिए इन चीजों से स्वयं को बचाने की जरूरत है, और तब जाकर के एक सशक्त युवा, एक अच्छा युवा हम बन सकते हैं। फैशन क्यों करते हैं? क्योंकि अच्छे दिखने के लिए। पर्सनालिटी 2 प्रकार के, एक इनर दूसरी आउटर। लेकिन आज के बच्चे आउटर पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं। आउटर पर्सनालिटी की तरफ किसी को आकर्षित किया, उसका भी पतन, खुद का भी पतन। इसलिए अगर किसी को आकर्षित करना है, अपने इनर पर्सनालिटी की तरफ आकर्षित करो। इनर पर्सनालिटी, जैसे महात्मा गांधी ने की कौन सी पर्सनालिटी थी? इनर थी, आउटर थी? इनर पर्सनालिटी। इनर पर्सनालिटी डेवलप करना, यह है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। इसलिए चरित्रवान बनाना, यह है शिक्षा का मूल उद्देश्य। इसलिए 5 चीजों से बच्चों को बचाना, गलत संगत, सिनेमा, नशा, गलत खान पान, फैशन, इन चीजों से बचना।